प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। अब तक किसी कारणवश अब तक वीडियो नहीं बना पाए थे, करीबन 2-3 महीने हो गए हैं। तो फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी, ठीक है भाई? तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों मोशनल ईएमएफ। क्या टॉपिक पढ़ेंगे? मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे। अगर आपको भी किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो नीचे बता दीजिए, जिस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी उसको कवर कर लेंगे, ठीक है भाई? तो देखो स्टार्ट करते हैं आज। क्या है अपना टॉपिक? मोशनल ईएमएफ। तो चलो आ जाओ भाई सारे बच्चे, देखो शाबाश, सुनो भाई। देखो बताओ मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ क्या होगी? देखो बच्चों, मान लो ये हमने क्या मान लिया, मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है बच्चों? ये मैग्नेटिक फील्ड। शाबाश भाई, सुनो, बहुत अच्छी बात है, सुनो शाबाश। ये क्या मान लिया बालको हमने? मैग्नेटिक फील्ड मान लिया। क्या मैग्नेटिक फील्ड माना? बी मैग्नेटिक फील्ड है। और क्या है बच्चों? ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट है, ठीक है भाई, शाबाश। सुनो तो देखो, इसके अंदर हमने क्या रखा बच्चों? एक वायर रख लिया। क्या रखा भाई? एक वायर रखा, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। देखो हमने क्या रखा बच्चों? इसके अंदर एक वायर रखा। अच्छा भाई, ठीक है। और ये वायर जो है ना बच्चों, वी स्पीड से चल रहा है। और इस वायर की लेंथ है बच्चों एल। इस वायर की लेंथ क्या है बेटा? एल है, ठीक है भाई, शाबाश। देखो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। देखो सुनो, वायर बेटा वी स्पीड से चल रहा है और इसकी लेंथ क्या है? एल है। क्या है इसकी लेंथ? एल है। तो देखो बच्चों, मोशनल ईएमएफ, अगर कोई भी वायर हो वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में वी स्पीड से चले। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में किस स्पीड से चले? वी स्पीड से चले। और स्पीड भी कांस्टेंट हो, उसके हर एक पॉइंट की स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो। तो बच्चों उस वायर के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, ईएमएफ जनरेट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। और वही अपने को क्या करनी है बच्चों? यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है भाई, शाबाश। देखो बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो आ जाओ, सुनो, मिलके करते हैं। देखो बेटा, मैग्नेटिक फोर्स जो होती है उसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है भाई। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी बच्चों? वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में होगी भाई? V क्रॉस B की डायरेक्शन में। सोच रहे एकदम पक्की बात है ना? तो देखो बेटा सुनो, V इधर है अपने पास, V क्रॉस B कैसे निकालते हैं? V की तरफ फिंगर्स कर दो, B की तरफ कर्व कर दो, तो थंब किसकी डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फोर्स की, ठीक है भाई। तो V क्रॉस B, B नीचे है, क्रॉस का मतलब क्या बेटा? B किधर है? माइनस Z एक्सिस में, इनवर्ड। तो V क्रॉस B, तो थंब किधर जाएगा बच्चों? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स किधर लगी? मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगी। तो क्या होगा बच्चों? इस वायर में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होंगे ना बच्चों, वो किधर दौड़ जाएंगे? ऊपर इस एंड की तरफ दौड़ जाएंगे वायर के। और नेगेटिव चार्ज किधर दौड़ जाएंगे बच्चों? वायर के इस एंड की तरफ आ जाएंगे। बोलो पक्की बात है एकदम? हाँ ना, ठीक है भाई, शाबाश। क्यों? क्योंकि बच्चों वी क्रॉस वी ऊपर था, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएंगे और नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाएंगे, शाबाश। इधर कौन सी फोर्स लगी बेटा? ई वी बी। ई वी बी, देखो चार्ज ई मान लिया, वी वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड, क्या फोर्स लगी बेटा? ई वी बी, ठीक है, पक्की बात है एकदम, शाबाश। देखो भाई, तो देखो बेटा ये प्लस ये माइनस, तो ऊपर से नीचे तक इस वायर में क्या सेटअप हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। क्या सेटअप हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई? पक्की बात है। देखो तो नीचे क्या सेटअप हो जाएगा बेटा? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है और इसके अंदर ई चार्ज है। अगर बेटा ई चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठा हो तो उस पर फोर्स लगती है मेरे बच्चे एफ इक्वल टू ई। क्या लगती है? एफ इक्वल टू ई इंटू ई। तो क्या होगा बेटा? ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगी और नीचे की तरफ क्या फोर्स लगी? इलेक्ट्रिक फोर्स लगी। अरे कौन सी फोर्स लगी? इलेक्ट्रिक फोर्स लगी। तो बेटा जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव हो जाएगी, कौन सी कंडीशन अचीव हो जाएगी? इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव हो जाएगी। तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर हम क्या कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगी बेटा EVB, वो किसके इक्वल हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फोर्स की इनटू E। सोच लो पक्की बात है एकदम। तो E से E क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पॉइंट जो है बेटा, ये एंड, अगर इस एंड को हम ए नाम दे दें और इस एंड को नाम दे दें हम सी, तो ए इज एट हायर पोटेंशियल एंड सी इज एट लोअर पोटेंशियल, एंड सी इज एट लोअर पोटेंशियल। पक्की बात है भाई एकदम? देखो शाबाश, सुनो तो क्या आ गया बेटा? ई इक्वल टू वी इंटू बी। अच्छा, इस वायर की लेंथ क्या है बेटा? एल है। क्या है लेंथ? एल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ए और सी के बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा वी ए माइनस वी सी, ए हायर पोटेंशियल पे और सी
लोअर पोटेंशियल पे। तो बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्या आएगा बालकों, देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपको याद है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। अरे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ होता है, शाबाश। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया बच्चों, v इनटू b, वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, और इनटू लेंथ l, इनटू लेंथ l। तो पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस vc क्या आ गया बेटा, vbl। क्या आया, vbl। अरे इसी को क्या बोलते हैं, मोशनल emf। इसी यही क्या है बेटा अपनी, मोशनल emf। इसी को क्या बोलते हैं, मोशनल emf। ठीक है भाई, देखो भाई शाबाश, बहुत दिनों बाद बात करने का आपसे मौका मिला है। देखो शाबाश सुनो, ये आ जाएगा, ये क्या है बेटा, जनरल केस है। ये जो हमने लिया है ये कैसा केस है, ये जनरल केस है। जनरल केस का क्या मतलब है बेटा, कि वेलोसिटी तो इसके अंदर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और लेंथ है, इसके बीच में एंगल क्या है, जीरो है। या फिर यूं कह लीजिए कि VB और लेंथ के बीच में जो एंगल है वो क्या है, जीरो डिग्री है। ये जनरल केस है। अगर मान लो कोई अपने पास, ये स्पेशल केस है अपने पास, जनरल केस। अगर मान लो इस फॉर्मूले को हम, इसको बोल सकते हो आप स्पेशल केस, है ना, ये स्पेशल केस है जब ये कांस्टेंट है। अगर इस फॉर्मूले को हम जनरलाइज कर दें, क्या कर दें बेटा, जनरलाइज कर दें, तो हम ये लिख पाएंगे जब v और b के बीच में एंगल 90 डिग्री ना हो, कुछ और एंगल हो, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो फॉर्मूला आप याद रखना। अगर जनरल केस की बात करेंगे तो देखो बेटा, e into e को हम क्या लिख देंगे, e into v cross b, यानी कि v और b के बीच में एंगल 90 डिग्री अब नहीं है, तो v भी sin 91 नहीं लिखेंगे, v cross b, e ने e को मार दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया बेटा यहां से, शाबाश, v cross b। अरे क्या आया, v cross b, तो क्या आ जाएगा बेटा, dv जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया बेटा जनरल केस में, v cross b dot l। अरे v cross b dot l, ये अपने पास बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो इसको भी याद करो, और अगर रटो इसको तो इसको रटो, है ना, ये आपको हमेशा रटा हुआ दिमाग में याद रहना चाहिए रात के 2 बजे भी हमेशा, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा बेटा, v cross b dot l आएगा, v cross b dot l आएगा। ठीक है भाई, शाबाश, और हैप्पी न्यू ईयर भाई सभी को, है ना। तो बेटा इसको शाबाश, इसके अच्छे से नोट्स बनाओ, फिर हम इसको मिटा के इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट्स बनाओ बेटा, शाबाश। देखो बालको सुनो, आ जाओ शाबाश भाई, इस पे अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बेटा, हमने क्या माना था अभी, ये वायर बिल्कुल हमने स्ट्रेट माना था। कैसा माना था, ये वायर बिल्कुल हमने स्ट्रेट माना था। मान लो बच्चों की ये वायर स्ट्रेट भी ना हो, टेढ़ा मेढ़ा वायर हो। अरे कैसा वायर हो, टेढ़ा मेढ़ा वायर हो, ठीक है बेटा, शाबाश। और ये किस में रखा है, बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जो क्या है, कांस्टेंट है। अरे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, पक्की बात है। और मान लो बेटा ये वायर है ना, इधर चल रहा है वी वेलोसिटी से, किसके साथ, वी वेलोसिटी के साथ। तो हमें पता है ये पॉइंट अगर ए मान ले बेटा, और ये पॉइंट क्या मान ले बालको, अगर सी मान ले, तो कौन सा हायर पोटेंशियल पे है सर, जिधर वी क्रॉस बी होगा। कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा, जिधर वी क्रॉस बी होगा। आप ये याद रखना कि इन दो पॉइंट में से बेटा हमेशा कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, जिस डायरेक्शन, जो डायरेक्शन वी क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। जैसे ये वायर माना था, तो हायर पोटेंशियल पे कौन सा था बेटा, इधर बी वेलोसिटी से चल रहा था बी मैग्नेटिक फील्ड में, तो कौन सा हायर पे था, जिधर बी क्रॉस बी था, वी क्रॉस बी, ऊपर बी क्रॉस बी, तो ये हायर पोटेंशियल पे था। तो बच्चे इसमें से कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा, वी क्रॉस बी, तो कौन सा हायर होगा बेटा, ए हायर होगा। कौन सा, ए हायर होगा। और देखो ये तो वायर स्ट्रेट था, लेकिन बेटा अगर वायर स्ट्रेट ना हो, कि टेढ़ा मेढ़ा भी वायर हो, कैसा वायर हो, टेढ़ा मेढ़ा वायर भी हो, तब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्या आएगा बेटा, वी ए माइनस वी सी, क्या फॉर्मूला याद कराया आपको, वी क्रॉस बी डॉट एल। तो वी और बी में एंगल तो कितना है बेटा, 90 डिग्री है, क्योंकि v तो एक्स वाई प्लेन में है, और b किस में है बच्चे, माइनस जेड में, किस में, माइनस जेड में। तो v, v और l, l क्या होगी बेटा, लेंथ। अब कौन सी लेंथ ले भाई, वायर तो टेढ़ा मेढ़ा वायर है, तो बेटा जो लेंथ होगी ना, वो हमेशा याद रखना कहां से कहां तक होगी, इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन कर दो किससे,
फाइनल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट को किससे ज्वाइन कर दो बच्चे, फाइनल पॉइंट से, वो अपनी लेंथ होगी। तो ये इनिशियल पॉइंट और ये क्या आ जाएगा बच्चे, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन कर दो तो ये जो लेंथ होगी वही अपनी क्या होगी बेटा, लेंथ होगी। शाबाश भाई, बहुत अच्छी बात है। वी वी डॉट एल, तो क्या समझे बेटा कि अगर वायर स्ट्रेट ना हो के टेढ़ा मेढ़ा भी वायर हो, या फिर आप ये याद रखो कि इन वी क्रॉस बी डॉट एल, एल इज द लेंथ joining the initial point and the final point, या L is the length from the initial point to the final point। पक्की बात है भाई, एकदम बात समझ में आ गई मेरी, ठीक है भाई। देखो शाबाश, अब देखो बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं, सुनो। अगर मान लो अपने पास ये क्या है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है बेटा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। हैप्पी न्यू ईयर भाई सभी को, है ना। ये क्या है बेटा, मान लो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, और इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में है ना एक वायर है, ये क्या है वायर है, और इसकी लेंथ क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, एल है। इसकी लेंथ क्या है प्यारे बच्चों, एल है, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर मान लो ये वायर जो है बच्चे इधर चल रहा है, और किस स्पीड के साथ, v स्पीड के साथ बच्चे ये वायर किस स्पीड के साथ चल रहा है, b मैग्नेटिक फील्ड में रखता है, किस स्पीड के साथ चल रहा है बच्चे ये वायर, v स्पीड के साथ। और ये जो एंगल है बच्चे, ये क्या एंगल है, मान लिया हमने 37 डिग्री है, क्या एंगल है बच्चे, ये मान लिया हमने 37 डिग्री है। तो और ये पॉइंट a माना हमने, और ये पॉइंट क्या माना, c माना। तो देखो कौन सा हायर पोटेंशियल पे है, व्हिच इज एट हायर पोटेंशियल, कौन सा हायर पोटेंशियल पे है, जो सर v क्रॉस b की डायरेक्शन होगी वो हायर पोटेंशियल पे होगा। तो देखो बेटा v क्रॉस b, तो थंब इधर आया, तो कौन सा हायर पे, a हायर पे, कि कौन सा हायर पे बेटा, a हायर पे। तो सर अगर a हायर पे है ना, तो हमें कैलकुलेट करना है बेटा va - vc। अरे क्या कैलकुलेट करना है, va - vc कैलकुलेट करना है। और बच्चे एक चीज का इसमें ध्यान रखना कि फॉर्मूला तभी वैलिड है कब, जब v भी कांस्टेंट हो और b भी कांस्टेंट हो। अगर दोनों में से कोई एक भी कांस्टेंट नहीं रहा तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते बेटा। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है व्हेन v एंड b बोथ आर कांस्टेंट, जब दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो। तो देखो बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो v क्रॉस b बेटा, v v क्रॉस b कैसे निकालोगे, राइट हैंड रूल से, किससे, राइट हैंड से। v की डायरेक्शन में बेटा फिंगर करो, और b किधर है, इनवर्ड, तो v की डायरेक्शन में फिंगर करो और b की तरफ कर्ल कर दो, तो जिधर थंब जाए वही किसकी डायरेक्शन, v क्रॉस b की डायरेक्शन, वही किसकी डायरेक्शन, v क्रॉस b की डायरेक्शन। तो ये आ जाएगी बच्चे vb की डायरेक्शन, अरे किसकी डायरेक्शन, vb की डायरेक्शन। और बेटा ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, क्योंकि आपने पढ़ा है बच्चे c इक्वल टू a क्रॉस b, तो c जिस डायरेक्शन में आएगा वो a के भी परपेंडिकुलर होगी और b के भी परपेंडिकुलर होगी। तो बेटा v क्रॉस b v के भी परपेंडिकुलर है और b के भी परपेंडिकुलर है। तो बेटा v के परपेंडिकुलर मतलब ये 90, तो बच्चे देखो ये 90, ये 37, तो ये क्या बचा नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, ये बचा बेटा 53 डिग्री। अरे कितना बचा, 53 डिग्री, पक्की बात है, ठीक है। ये 90, ये 37, तो ये कितना बचा बेटा बच्चे, 53 डिग्री, क्या बचा, 53 डिग्री। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जो va-vc आएगा वो क्या आएगा, देखो भाई कलाकारों सारो शाबाश, va-vc क्या आएगा बेटा, v वेलोसिटी, v क्रॉस b, v क्रॉस b क्या आ गया बेटा, फॉर्मूला होता है, मैं लिखता हूं v क्रॉस b डॉट l, और v क्रॉस b को क्या लिख सकते हैं बेटा, vb लिख सकते हैं, क्योंकि v इज परपेंडिकुलर टू b, v तो है बेटा xy प्लेन में और b है z डायरेक्शन में, पक्की बात है, शाबाश। तो vb डॉट l, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, vbl cos थीटा, क्योंकि बच्चे a डॉट b क्या होता है, ab cos थीटा होता है, ab cos थीटा। तो vb और l के बीच में क्या एंगल आएगा बच्चे, ये vb और ये l, दोनों vb ये है बेटा और l क्या है, वायर की लेंथ, दोनों के बीच में एंगल कितना है सर, 53 डिग्री, पक्की बात है, 53 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, VBL cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री। तो बच्चे va-vc आ जाएगा अपने पास cos 53, cos 53 क्या होता है बेटा, 3/5 होता है, तो आंसर इज 3/5 VBL, दिस इज आवर आंसर, आंसर इज 3/5 VBL। शाबाश, देखो समझो है ना इसको, ठीक है भाई, इसको नोट करो बेटा, ठीक है, शाबाश, नोट करो बेटा इसको।
बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। और देखो बेटा सुनो, शाबाश, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल, ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसको सोल्व करना है और इसका आंसर कहाँ बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको क्वेश्चन टॉपिक समझ में आया तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना और इसका आंसर कहाँ देना है बेटा नीचे कमेंट बॉक्स में। देखो क्या है क्वेश्चन, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है मेरे बच्चे, कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। अरे क्या है, कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। शाबाश भाई, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है प्यारे बच्चे, कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। और क्या माना बेटा इसके अंदर हमने, एक रोड वायर माना, क्या माना बच्चे इसके अंदर हमने, एक वायर माना, पक्की बात। तो देखो बच्चे ये अपना वायर है और ये अपना वायर हमने मान लिया बेटा इधर चल रहा है वी स्पीड से। अरे किस स्पीड से, वी स्पीड से। और बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है, और बी में रखा है तो क्या बताया था बेटा आपको कि वी और बी क्या होने चाहिए, कॉन्स्टेंट होने चाहिए। और हमने क्या मान लिया, वी और बी क्या है, कॉन्स्टेंट है मेरे बच्चे, वी और बी क्या है, कॉन्स्टेंट है। और क्या माना कि ये जो एंगल है अपने पास, ये एंगल है 45 डिग्री। अरे कितना है, 45 डिग्री। और इस वायर की लेंथ मान ली मेरे बच्चे, जो ये वायर है इस लेंथ की, वायर की लेंथ हमने मान ली L। क्या मान ली बेटा, L मान ली। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, आपको बताना है कि A और C में से विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, और कौन सा हायर पोटेंशियल पे है, और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। जैसे कि V क्रॉस B, क्या बताया था बेटा, पोटेंशियल कौन सा हायर पोटेंशियल पे है, जिधर V क्रॉस B हो वही हायर पोटेंशियल पे है। तो बेटा V इधर है, B अंदर है, तो A हायर पोटेंशियल पे है। तो मेरे बच्चे आपको कैलकुलेट करना है VA माइनस VC। अरे क्या कैलकुलेट करना है, VA माइनस VC। और ये एंगल है बेटा 45 डिग्री। अरे क्या है, 45 डिग्री। तो बेटा कैलकुलेट करना और इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है भाई। तो बेटा इस टॉपिक को करो, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। आप बताओ क्या टॉपिक करें नीचे, है ना, स्टार्ट किया अभी बहुत दिनों बाद फिर से, तो आप बताइए नीचे कौन सा टॉपिक करें, ठीक है भाई। शाबाश, फिर मिलते हैं तब तक, और इस क्वेश्चन का आंसर देना बेटा। थैंक यू।